हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 राजू प्रकाशन के इंग्लिश पोएट्री के उस लेसन के बारे में जिसका नाम है अमांडा। इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इसका पहला क्वेश्चन है इज अमांडा डिस्टर्ब विद हर एल्डर्स इंटरेक्शन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है। इसका आंसर है यस, अमांडा इज डिस्टर्ब विद हर एल्डर्स इंटरेक्शन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है हाँ, अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान होती है। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शंस अमांडा शुड सिट अप। इसका ऑप्शन है स्ट्रेट आर लीनिंग, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्देशों के अनुसार अमांडा को बैठना चाहिए। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अमांडा शुड सिट अप। इसका ऑप्शन है स्ट्रेट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्देशों के अनुसार अमांडा को बैठना चाहिए सीधे। तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्देशों के अनुसार अमांडा को क्या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन अमांडा शुड नॉट बाइट नेल्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्देशों के अनुसार अमांडा को अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है द इंटरेक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्देश है कि अमांडा को नहीं बैठना चाहिए। इसका आंसर है द इंटरेक्शन टू अमांडा इज नॉट सिट, इसका ऑप्शन है स्लाउचिंग, इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्देश है कि अमांडा को सुस्ती से नहीं बैठना चाहिए। दूसरा स्टेंजा है देयर इज ए ब्लीसफुली। इसका पहला क्वेश्चन है अमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर्स इंटरेक्शन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से आज़ादी नहीं चाहती थी। इसका आंसर है ये कथन फाल्स है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ सी, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है समुद्र का रंग कैसा है। इसका आंसर है द कलर ऑफ सी इज ग्रीन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है समुद्र का रंग हरा है। तीसरा क्वेश्चन है हु लिव्स इन द सी, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है समुद्र में कौन रहते हैं। इसका आंसर है ये मरमेड लिव्स इन द सी, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कि समुद्र में जलपरी रहती है। चौथा क्वेश्चन है द वर्ड लिंग्यूड मीन्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है सांस शब्द का अर्थ क्या है। इसका आंसर है पीसफुल। पांचवा क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन, हु हैज कंपोज दिस पोएम। इसका आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज अमांडा, दिस पोएम हैज बीन कंपोज बाय रॉबिन क्लीन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस कविता का नाम अमांडा है, इस कविता के रचनाकार रॉबिन क्लीन है। व्हाट डज अमांडा विश फॉर इन द एबव स्टेंजा एंड व्हाई, इसका हिंदी में अर्थ होता है उपयुक्त पद्यांश में अमांडा ने क्या इच्छा व्यक्त की है और क्यों। अमांडा विशेज फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस, सी इज फेड अप द गेटिंग इंटरेक्शन फॉर हर मदर, सी वॉन्ट टू स्केप ऑल दिस, इसका हिंदी में अर्थ होता है अमांडा स्वतंत्रता और शांति की इच्छा रखती है, वह अपनी माँ के आदेश से परेशान है, वह इन सभी से बचना चाहती है। तीसरा स्टेंजा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क योर सोज अमांडा। इसका पहला क्वेश्चन है डिड अमांडा पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर सोज, इसका ऑप्शन है ट्रू आर फॉल्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कि अमांडा के माता पिता उसे जूते साफ करने के लिए कहते थे या सत्य है कि असत्य है। इसका आंसर है यस, अमांडाज पेरेंट्स आस्क्ड हर टू क्लीन हर सोज, यानी हाँ अमांडा के माता पिता उसे जूते साफ करने के लिए कहते थे, ये सत्य है। क्वेश्चन है डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल अमांडा आर हर ब्रदर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है को उसके माता पिता का नियंत्रण नहीं पसंद था अमांडा को कि उसके भाई को। इसका आंसर है अमांडा डिड नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, यानी अमांडा को उसके माता पिता के नियंत्रण नहीं पसंद था। तीसरा क्वेश्चन है इज अमांडा आस्क्ड टू टाइडी हर रूम, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कि अमांडा के उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है। इसका आंसर है यस, अमांडा इज आस्क्ड टू टाइडी हर रूम, यानी हाँ अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क टू कंप्लीट हर वर्क, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कभी कभार उसके माता पिता उसे क्या करने के लिए कहते थे।
इसका आंसर है समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क्ड हर टू कंप्लीट हर वर्क, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कभी कभार उसके माता पिता उसे उसके कार्य पूरा करने के लिए कहते थे। चौथा स्टेंजा है आई एम एन अर्पन फ्रीडम इज स्वीट। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज अमंडाज विश, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा की क्या इच्छा थी। इसका आंसर है अमंडा विशेज फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा शांत और आज़ादी के लिए इच्छा करती थी। दूसरा क्वेश्चन है अमंडा इमेजिन्स डैट सी इज रूमिंग फ्रीली इन द मार्केट आर स्ट्रीट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा कल्पना करती है कि वह प्रसन्नता से घूम रही है बाजार में या गली में। इसका आंसर है अमंडा इमेजिन्स डैट सी इज रूमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा कल्पना करती है कि वह प्रसन्नता से गली में घूम रही है। तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अमंडा द फ्रीडम इज, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा के अनुसार आज़ादी है। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू अमंडा द फ्रीडम इज स्वीट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा के अनुसार आज़ादी स्वीट होता है मधुर होता है। चौथा क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस कविता के कवि कौन है। इसका आंसर है द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबिन क्लीन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस कविता के कवि रॉबिन क्लीन है। पांचवा स्टेंजा है डोंट ईट डैट चॉकलेट यू अमंडा। इसका पहला क्वेश्चन है अमंडा इज सफरिंग फ्रॉम एक्नी, ये ट्रू है या फॉल्स। इसका आंसर है अमंडा इज सफरिंग फ्रॉम एक्नी, ये ट्रू है, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा मुहासों से ग्रस्त है, ये कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है अमंडा इज रिपीटेडली चेक्ड बाई हर टीचर पेरेंट्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा नियमित रूप से अपने के द्वारा जांची जाती है अध्यापक या माता पिता। इसका आंसर है अमंडा इज रिपीटेडली चेक्ड बाय हर पेरेंट्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा नियमित रूप से अपने माता पिता के द्वारा जांची जाती है। तीसरा क्वेश्चन है अमंडा इज फॉरबिडन टू ईट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा को क्या खाने के लिए रोका जाता है। इसका आंसर है अमंडा इज फॉरबिडन टू ईट चॉकलेट, यानी अमंडा को चॉकलेट खाने के लिए रोका जाता है। चौथा क्वेश्चन है अमंडा इज नॉट लुकिंग टू हर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा नहीं देख रही है अपने किसको। इसका आंसर है अमंडा इज नॉट लुकिंग टू हर पेरेंट्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा नहीं देख रही है अपने माता पिता को। छठवां स्टेंजा है आई एम रेपुंजल माई ब्राइट हेयर। इसका पहला क्वेश्चन है अमंडा बीसे टू लिव विथ हर पेरेंट्स ट्रू आर फॉल्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा करती है। इसका आंसर है अमंडा बीसे टू लिव विथ हर पेरेंट्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा करती है, ये कथन असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है सी वांट्स टू बिकम रेपुंजल हर मदर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है वह रेपुंजल या माँ बनना चाहती थी। इसका आंसर है सी वांट्स टू बिकम रेपुंजल, यानी वह रेपुंजल बनना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन है हु विल नेवर लेट डाउन हर हेयर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कौन उसे अपने बाल कभी नहीं लटकाने देगा। इसका आंसर है रेपुंजल विल नेवर लेट डाउन हर हेयर, यानी रेपुंजल उसे अपने बाल कभी नहीं लटकाने देगा। चौथा क्वेश्चन है रेपुंजल वाज ए एन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है रेपुंजल एक थी। इसका आंसर है रेपुंजल वाज ए प्रिंसेस, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है रेपुंजल एक राजकुमारी थी। सातवां स्टेंजा है स्टॉप डैट सल्किंग नेग्ड एट यू अमंडा। पहला क्वेश्चन है अमंडा ऑलवेज स्टेज इन बैड मूड एंड इज अनहैप्पी टू आर फॉल्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा सदैव खराब मूड में और अप्रसन्न रहती है, ये सत्य है कि असत्य है। इसका आंसर है अमंडा ऑलवेज स्टेज इन बैड मूड एंड इज अनहैप्पी, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा सदैव खराब मूड में और अप्रसन्न रहती है, यह सत्य है कथन। दूसरा क्वेश्चन है अमंडा इज हरास्ड बाई हर टीचर्स पेरेंट्स,
यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा के द्वारा परेशान की जाती है अध्यापिका द्वारा या माता पिता के द्वारा। इसका आंसर है अमंडा इज हरास्ड बाय हर पेरेंट्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है अमंडा अपने माता पिता के द्वारा परेशान की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है एनीवन वुड थिंक डैट द स्पीकर इज नेगिंग टू, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई भी सोचेगा कि वक्ता के द्वारा कौन परेशान किया जा रहा है। इसका आंसर है एनीवन वुड थिंक डैट द स्पीकर इज नेगिंग टू अमंडा, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई भी यही सोचेगा कि वक्ता के द्वारा अमंडा को परेशान किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स अमंडा इज, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कब के अनुसार अमंडा है। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर अमंडा इज मूडी, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है कब के अनुसार अमंडा सनकी है।